ये बताइए, जो नात में आजकल जिद्दत आ रही है और उसमें मौसीकी डाली जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ लोगों को शौक ऐसा हो गया, पढ़ने वालों को भी शौक हो गया और सुनने वालों में भी काफ़ी लोग ऐसे शौक वाले आ गए हैं। लेकिन जो पहले पुराने लोग थे वो दुनिया से जा चुके हैं ना, वो उनको वो अंदाज जो था वो बड़ा कैफियत और रूहानियत वाला अंदाज होता था ना, तो पढ़ने वाले को भी मज़ा आता था। हमारे बुजुर्ग जो पढ़ते थे बड़ी गहराई से पढ़ते थे, तो उसमें वो अपना एक रंग था, उसमें सवाब और उसमें बड़ी कैफियत होती थी। अब ये रंग मौजूदा दौर चल पड़ा है वो कव्वाली की वजह से, कि जैसे कव्वाली में लोग शौक से सुनते हैं कव्वाली, उसी तरह इसको म्यूज़िक वाले स्टाइल को इसको भी लोग शौक से सुनते हैं, तो ये चल रहा है अब, ठीक है लोगों का अपना। आपको पसंद है ये अंदाज? पसंद तो है लेकिन मैं खुद अपना नहीं सकता। ऑफर हुई है कई दफ़ा कई चैनलों से कि आप दफ़ के साथ आप पढ़ दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पढ़नी। कितने ममालिक में आपने हदिया नाच पेश कर चुके हैं? अल्लाह का शुक्र है, इंडिया में भी प्रोफेसर हसन रिजवी साहब होते थे, तो वो यहाँ से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में लेके जाते थे हमें। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर भी हाज़िरी हुई, उस पर फिर वहाँ महफिल में इंदिरा गांधी साहबा भी आके बैठी। अच्छा, उन्होंने फिर तालियाँ बजा के दाद दी महफिल में बैठी थी। उन्होंने इंडिया में चल पड़ी, इंग्लैंड में भी गए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ, फिर अमेरिका और कनाडा का वीज़ा लग गया था, लेकिन वो रमजान शरीफ में चाह रहे थे, मैंने कहा मैं रमजान शरीफ में तरावियाँ नहीं छोड़नी, इसे मैं कनाडा नहीं गया। अमेरिका से भी दो दफ़ा दावत आई लेकिन वो अप्रूव नहीं हो सका, वीज़ा नहीं अप्रूव हो सका। तो कहाँ से सबसे? लेकिन मिडल ईस्ट में माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम किए, मस्कत, ओमान, दुबई, कुवैत, बहरीन वगैरह सारी रियासतों में काफ़ी बड़े प्रोग्राम। तो कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा पज़ीराई मिली? ये मस्कत में, ओमान में, वहाँ बड़े रेगुलर मुसलसल प्रोग्राम होते रहे। महफिल में जाने के लिए मखसूस कपड़ों का इंतखाब करते हैं या जो भी मिल जाए पहन लेते हैं? हाँ जी, महफिल में जाने के लिए साफ़ सुथरे पाकिजा कपड़े रखने पड़ते हैं, और मीडिया पे हो तो ज़रा डार्क कलर के होते हैं, महफिल में जाना तो लाइट कलर के पहन लेते हैं। एक आप टोपी भी एक मखसूस अंदाज की पहनते हैं, उसकी कोई ख़ास वजह है या बस आपको पसंद है? नहीं, पसंद है, इसीलिए मदीना शरीफ में उनको देखा था मैंने, वो मस्जिद नबी में मुझे मिले थे, बुजुर्ग थे वो, वहाँ पे रिहायशी थे, लाहौर के थे लेकिन वहाँ रिहायश पर ही थे मदीना में, काफ़ी साल पहले, 20-25 साल पहले उनको मैंने देखा, फिर मुझे शौक हुआ इस टोपी का। अच्छा, फिर ये इसका रंग लोगों ने भी पसंद किया, तो प्रोफेसर हसन रिजवी की मैं बात कर रहा था, जंग अखबार में होते थे, तो उन्होंने वो सेमिनार करते थे होटल में पीसी में, तो मुझे कहते थे फ़ोन पे, फौत हो गए हुए, कहते हम दानी साहब आपने लाल टोपी पहन के आनी। अच्छा, तो आप एक साल में कितनी महफिल में शिरकत कर लेते हैं? माशाल्लाह सारा महीने ही महफिलें चलती हैं, साल की बात नहीं, महीनों महीने में चलती हैं, कुछ रात को होती हैं, कुछ दोपहर को हो जाती हैं, इतवार को लोगों को छुट्टी होती है ना, लेकिन इतवार को भी कोई चेलम और बरसी आ जाती है, तो उसमें इतवार को भी मसरूफियत होती है, दरमियाना दिन कोई बीच में पीर मंगल बुध कोई फारिग आ जाती है, लेकिन जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार ये फारिग नहीं होते। तो पैसे वगैरह लेते हैं लोग या खुशी से जो कोई नहीं, दे या आप? लोग अपनी मर्जी से दे देते हैं, जो देते हैं हम डिमांड नहीं करते। अच्छा, क्योंकि हमारा पेशा हिकमत का दवाखाना, इसको नाच खाने को पेशा नहीं बनाया, मैंने इसको पेशा नहीं बनाया इसका, ठीक है लोग खुशी से, कोई कम देते हैं, कोई माशाल्लाह बहुत देते हैं, जो कम देते हैं हम शिकवा नहीं करते, इसलिए कि अल्लाह ताला अल्लाह की बारगाह से सरकार के करम से दूसरी महफिल में उससे ज़्यादा अल्लाह कसरे निकाल देता है, अल्लाह की तरफ से कमी कोई नहीं रहती, फिर हम इसलिए कोई शिकवा नहीं करते ना कोई लालच करते। नए नात खवां जो आ रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, उनको मशवरा नहीं देना, उन्होंने अपनी मर्जी से, उन्होंने अपनी मर्जी से चलना है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा मशवरा देना चाहिए उन्हें? नहीं, मैं सारे हमारे दोस्त हैं ना, नाराज ना हो जाए।